जय माता दी। दोस्तों, स्वप्न की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सपनों के सच्चाई के बारे में, कौन से सपने सच होते हैं, किस समय में सच होते हैं, तो आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सुबह के सपने जो होते हैं वह बहुत हद तक जो होते हैं वो सच होते हैं। जैसे 3 से 7 बजे के बीच अगर कोई अपना देखा जाए तो उसका 99% जो होता है उसमें सच्चाई होती है, वह सपना सच होता है या सच होने का चांस होता है। दोस्तों, क्योंकि यह बात जो है वो शास्त्रों में भी उल्लेखनीय है। लेकिन दोस्तों, अगर आप दोपहर में कोई भी सपना देखते हैं या दिन में भी किसी भी समय अगर आप सोते हैं और आपको सपना आता है, तो आपको उन सपनों का अर्थ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन में देखे गए सपनों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए अगर आप दोपहर में कोई सपना देखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको दोपहर में देखे गए सपनों का अर्थ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच देखे गए सपने जो होते हैं वो सच होते हैं, लेकिन उन्हें सच होने का उन्मूलन जो है वो 1 साल तक का समय लग सकता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच देखे गए ज़्यादातर सपने जो होते हैं वो सच हो जाते हैं, ये 1 से 6 महीनों के बीच ज़रूर फलदायक। तो आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी मेरी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।